उसके बाद राह हक में माल खर्च करने की मिसालें दी, एक दो मिसालें दी। अगर इखलास से माल खर्च करोगे तो ऐसा है जैसा कि एक दाना बोया उसमें से सात बालें निकली और हर बाल में सौ दाने निकले, एक का 700 गुना अजर मिल गया। और अगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं खर्च किया, दिखावे के लिए खर्च किया, तो फरमाए उसकी मिसाल ऐसे है कि एक चट्टान पे मट्टी पड़ी हुई हो, अब जोर से हवा आई सारी उड़ा के ले गई, वो तुम्हारी खैरात ऐसी होगी जैसे कि गोया तुमने चट्टान पे थोड़ी सी मट्टी डाल दी, पानी आया हवा आई उड़ गया, एक जर्रा भी बाकी नहीं रहा। फरमाए देखो अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हो तो ऐसा खर्च करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, रद्दी माल नहीं। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम खैर नहीं पा सकते जब तक के तुम वो खर्च ना करो जो तुम्हें खुद बहुत अच्छा लगता है। और खर्च करने के बारे में बताया, फरमाया कि लोगों को कर्ज दिया करो और फिर मकरूज से नरमी किया करो। और हदीस में तो यहां तक आया कि कर्ज देना जो है खैरात करने के मुकाबले में दुगना अजर रखता है। और हां, सूद को हराम करार दे दिया। सूद वो माल का इजाफा है जिसमें हम नफा ही नफा में तो शरीक हो, नुकसान में शरीक ना हो, वो सूद है। और सूरह बकरा के खात्मे में जो रुकू आ रहा है, इंसान की रूह वज्द करने लगे, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों में जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, व इन तुब्दु मा फी अन्फुसिकुम अव तुख्फूहु युहासिबकुम बिहि अल्लाह, जो कुछ करते हो जाहिर करके करते हो छुपा के करते हो, अल्लाह ताला तो हर चीज का मुहासबा करके रहेगा। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहेगा माफ कर देगा, जिसको चाहेगा अजाब दे देगा, वो खुद जानता है, वही जानने वाला है कहां माफ करना है कहां माफ नहीं करना। और आगे फरमाया कि देखो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की आई हुई हिदायत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पे, फरिश्तों पे, आसमानी किताबों पे, रसूलों पे, और ईमान वाले सब रसूलों को मानते हैं। उनका यह शेवा नहीं है कि किसी को मान लें किसी को ना माने, दीन का कुछ हिस्सा मान लें कि कुछ हिस्से को ना माने, नहीं, बल्कि वे कहते हैं कि बस हमने सुना और इताअत की, सम उताअत करते हैं। और फरमाया कि हम किसी पे कोई ऐसी जिम्मेदारी आयद नहीं करते जो उसकी ताकत से ज्यादा हो, हमें मालूम है किस पे क्या जिम्मेदारी आयद करनी है। यहां से एक बात यह भी मालूम हुई कि बाज लोग कहते हैं साहब को तो 40 साल हो गए शराब नहीं छूट रही, भाई अल्लाह ने फिर भी उसको हराम करार दे दिया, फिर भी उसको छोड़ना फर्ज करार दे दिया, इसका मतलब यह है कि उसका छोड़ना मुमकिन है वरना छोड़ना फर्ज करार ना देते। मैं कहला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जब तक कि वुसअत ना हो ताकत ना हो अल्लाह ताला कोई चीज फर्ज करार नहीं देते। फर्ज उस वक्त करार देते हैं जबकि उसकी वुसअत उसकी ताकत पाई जाती है। तो फरमाया कि हम तुम पे जो जिम्मेदारी आयद करेंगे ऐसी करेंगे जो तुम्हारी ताकत में होगी, और उसके बाद जो नेकी करेगा उसका फल कमाएगा, जो बुराई करेगा उसकी सजा पाएगा। और उसके बाद दुआ सिखाई कि ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे मौला, हमारी भूल चूक से तो हमें मुआवजा ना फरमा, माफ कर दे, वो बोझ हम पे न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाला। ऐ परवरदिगार, जो बोझ हम नहीं उठा सकते जिसकी हमें ताकत नहीं है वो बोझ भी हम पे ना डाल, और हमारी खुताओं को माफ फरमा दे, हमें बख्श दे, हम पे रहम फरमा, तू हमारा आका है और कुफार के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये सूरह बकरा का आखिर है। और हजरत अली करमल्ला फरमाते हैं कि जो शख्स ये
حصہ قرآن مجید کا، یہ تین آیتیں پڑھے بغیر سو گیا رات کو، تو گویا بہت محروم رہا.